वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी आरडी धीमान को हिमाचल प्रदेश के नया मुख्य सचिव बनाया गया है। उनकी नियुक्ति वर्ष 1987 बैच के आईएएस अधिकारी राम सुभक सिंह के स्थान पर की गई है। ये वर्तमान जयराम सरकार के 7वें मुख्य सचिव है। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर आरडी धीमान ने कहा कि उन्होंने राज्य में विभिन्न पदों पर काम किया है, हर जगह चैलेंज होते हैं। सरकार ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसका वे बखूबी निर्वहन करेंगे। सरकार की योजनाओं को अच्छी तरह से रेगुलेट कर जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं प्रदेश में कोविड मामलों को बढ़ता देख उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार ही गाइडलाइन जारी करती है। मामलों को बढ़ता देख जो भी गाइडलाइन होगी उसका पालन करवाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान मुख्य सचिव बनने पर आरडी धीमान का स्वागत किया व पूर्व में रहे मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया और कहा कि तबादलों को लेकर उठाए जा रहे प्रश्न निराधार है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए नहीं होती, इसीलिए तबादलों को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, चैलेंजेस तो हर जॉब के साथ रहते हैं और मैंने नगर स्टेट में हर विभाग में काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर्तव्य सरकार ने मुझे असाइन किया है मैं उसको अच्छी तरह से निभा पाऊँगा, श्रद्धा से अपना काम कर पाऊँगा और जो सरकार की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने में मैं उनकी मॉनिटरिंग करूँगा, उनको रिव्यू करूँगा, एवेलुएट करेंगे और मुझे आशा आप सबका भी सहयोग शाम मिलेगा। सर प्रदीप, देखिए ओवरऑल कुछ मामलों में बदलाव आया है फंडिंग स्टेट को फाइनेंशियल अवेलेबल होने में, तो गवर्नमेंट उस बारे में विचार करे कि जो भी जैसे भी प्रैक्टिस रही है उसके अनुसार जो है उसको मैनेज करने का प्रबंध करने का हम कोशिश करेंगे। प्रोटोकॉल है, हम सब जानते हैं, आप सब ने उसको फॉलो किया है। आज तक कोविड के बारे में भारत सरकार ही लीड करती है, जो उनके दिशा निर्देश होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं, अपने भी बनाते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको स्थिति को स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी और जैसे ही सिचुएशन लगेगा कि इसको फर्दर कंट्रोल करने की जरूरत है तो अवश्य कदम उठाए जाएगा। सर, कर्मचारियों के इश्यूज रहते हैं और गवर्नमेंट ने उनको एड्रेस करने का मैकेनिज्म कायम किया हुआ है। JCC मीटिंग होती है, हर लेवल मीटिंग होती है, उनके इशू को टेकअप किया जाता है, सरकार भी समय समय माननीय मुख्यमंत्री मिलते हैं, सेक्रेटरी भी मिलते हैं, तो समय समय पर इशू हल भी होते हैं और कुछ पेंडिंग भी रहते हैं, चर्चा वन पे होती है, चर्चा का सारे हल होते हैं, कोई ऐसा चिंता वाला विषय नहीं है।